पांच मई को दिल्ली के जो दो उपचुनाव हैं, यमुना विहार और नांगलोई, दोनों कॉरपोरेशन की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय प्राप्त की है। मैं इसके लिए सबसे पहले दिल्ली की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। यमुना विहार की सीट पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जिसे 600 वोट से हमने जीता था और इस बार यमुना विहार की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने 4000 से अधिक वोटों से जीता। नांगलोई की सीट अगर मुझे ध्यान पड़ता है तो पिछले 15 साल के अंदर वे सीट हमारे पास नहीं थी, कांग्रेस के पास थी और अब हमने इस सीट को बहुत बड़ी मार्जिन से 4748 के मार्जिन से, जबकि पिछली बार यह हमारी सीट 500 के लगभग वोट से रह गई। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों को अपने लिए बड़ी प्रतिष्ठा का विषय बनाकर रखा था। और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली के विकास के नाम पर वोट मांग रही थी। कांग्रेस के लोग इस चुनाव को शीला दीक्षित वर्सेस विजय गोयल बता रहे थे, किंतु मेरा ऐसा मानना है यह चुनाव कांग्रेस वर्सेस जनता था। मैं इन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ विजय के रूप में नहीं देखता, बल्कि इस रूप में देखता हूं कि कांग्रेस ने इतने सालों के अंदर जो आम आदमी के लिए काम नहीं किए हैं और कांग्रेस को इससे चेतना चाहिए कि दिल्ली के नागरिकों के लिए उनको संवेदनशील होना पड़ेगा और उनके लिए काम करने पड़ेंगे। मसलन लगातार आंदोलनों के बाद ही कांग्रेस ने बिजली के बढ़ते हुए दामों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उनको देखना पड़ेगा कि बिजली सस्ती दिल्ली के नागरिकों को दी जाए। आधी दिल्ली पानी से प्यासी है और जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है। कांग्रेस की सरकार को यह देखना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों के पास बिल्कुल पानी नहीं है। दिल्ली के विकास को भारतीय जनता पार्टी की नगर निगमों से झगड़ा करके नहीं किया जा सकता। ये रेफरेंडम हमारी कॉरपोरेशंस के ऊपर भी था कि हमारी दिल्ली की नगर निगम कैसा काम कर रही है। दोनों सीट ने जीत कर यह बता दिया है कि नगर निगम अच्छा काम कर रही है, किंतु कांग्रेस को अभी यह देखना है लोगों की सुविधा देने के लिए
वे नगर निगम के कामों में रोड़ा ना बने और उनको जिस तरह से वो फंड देने को रोक देते हैं वो उनको फंड्स देने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जनता सब कुछ जानती और समझती है। इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार अब दिल्ली के अंदर राज करने की इच्छा शक्ति खो बैठी है। हमने नहीं कहा, किंतु कांग्रेस ने कहा, विभिन्न उनके भाषणों में कहा, मीटिंगों में कहा कि यह उपचुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। मैं समझता हूं अभी हमें विधानसभा चुनावों के लिए कड़ी मेहनत करनी है और वो कड़ी मेहनत हम लोगों के अंदर अपना पॉजिटिव एजेंडा देकर करेंगे, जिसमें से एक एजेंडा हमारा यह है कि बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी तो बिजली के दाम 30% कम कर देगी और इसके लिए हमने 10 दिन कार्यक्रम तैयार किया है, जिसको मैं समझता हूं अगले एक हफ्ते के अंदर हम जारी करेंगे। उस 10 सूत्री कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी चाहे तो उसको लागू करके बिजली के दाम कम करा सकती हैं। मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें दिल्ली की सेवा करनी है। बीजेपी दिल्ली में अपने पॉजिटिव एजेंडे के साथ चलते हुए हम पानी की समस्या को हल करेंगे। दिल्ली में पानी की इतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं वो सही जगहों पर नहीं लगे और वहां से पाइपलाइन नहीं डाली गई। मुनक नहर को चालू करने के बाद दिल्ली में पानी की समस्या हल हो सकती है। यमुना के ऊपर पहले ही हमने अपना श्वेत पत्र जारी किया है कि किस तरह से यमुना को साफ किया जा सकता है और उसके पानी का सदुपयोग भी कर सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। हमने गांवों का एजेंडा जारी किया है जिसमें हम लाल दौरे के विस्तार करेंगे, चकबंदी करेंगे, मुआवजे की राशि 4 गुना करेंगे। हम अगले 6 महीने में सकारात्मक एजेंडा लेकर जनता के बीच के अंदर जाएंगे, सकारात्मक एजेंडा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आज भी मैं कांग्रेस की कोई आलोचना नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना करना चाहता हूं अगले महीनों के अंदर कांग्रेस को बिजली के रेट कम कराने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे आंदोलन की हार को सहना पड़ेगा। बात करना चाहूंगी जिन्होंने क्षेत्र में आकर कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया और काम बहुत अच्छे से हुआ और भारतीय जनता पार्टी की भाई बहन से जीत हुई। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं की, अपने जिले के जिलाध्यक्ष अजय महागर जी की और हमारे विधायक श्री साहब सिंह चौहान जी की, जो सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर पूरी ताकत लगाकर जो इस सीट को जिताया, वहां पर आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि वहां पर हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल जी ने वहां डेरा डाला हुआ था। पिछले एक महीने से वो वहीं पर ही रह रहे थे और हर घर में जा रहे थे, तभी हमने सभी कार्यकर्ताओं ने वहां पर एकजुटता दिखाकर इस सीट को जीत कर दिखाया। ये सीट हम 4317 वोटों से जीते।